स्पेसिमेन पेपर क्या है? स्पेसिमेन पेपर कहते हैं पार्टनरशिप चेंजेस का सवाल है, और पार्टनरशिप चेंजेस का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आज करवाना था, तो आज के लेक्चर मिस करने वाला बनता नहीं था, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 551 पेज नंबर है मेरी बुक का, और आपकी बुक का कोई और पेज नंबर होगा, नाम मैं बाद में बता दूंगा। अच्छा जी, SP16 है, यानी स्पेसिफिक पेपर 2016 पेपर 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस तरह का सवाल पेपर में। बेन स्टैन एंड डैन हैव बीन इन पार्टनरशिप फॉर मेनी इयर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। इसका मतलब बेन स्टैन और डैन की जो ओल्ड रेशियो है, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो है, वो इक्वल है आपस में, यानी कि वो इक्वली जो है वो प्रॉफिट को जो है वो डिवाइड करते हैं, उनका प्रॉफिट आपस में जो है वो इक्वली है। आगे देखते हैं जी, हम समराइज स्टेटमेंट दी हुई, नॉन करंट एसेट दिए हुए, करंट एसेट दिए हुए, उनके कैपिटल अकाउंट दिए हुए, बेन डैन और स्टैन के तीनों सेम है। देखें करंट अकाउंट दिए हुए तीनों के, ऑन 1st अप्रैल स्टैन रिटायर्ड फ्रॉम द पार्टनरशिप, बेन एंड डैन विल शेयर प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। इसका मतलब है पुरानी रेशियो जो ओल्ड रेशियो थी वो भी इक्वल है, और जो नई रेशियो दोनों के दरमियान होगी वो भी इक्वल होगी। स्टैन जो है वो जा रहा है छोड़ के, यानी स्टैन इज बेसिकली रिटायरिंग फ्रॉम द पार्टनरशिप। यू मस्ट बी एबल टू नो दैट ऑन रिटायरमेंट वी यूज टू प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट बिकॉज वी वॉन्ट टू गिव हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द पर्सन, शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द पर्सन हु इज बेसिकली रिटायरिंग फ्रॉम द पार्टनरशिप, to have a true and fair view of the business, or to give his share of profits on the dissolution on his retirement. To banda ja raha hai usko uska due share dena padega aapko out of goodwill also and out of other assets also, usko deke bechte hain ghar, theek hai ji। to on Stan and Dan the share profit equal, the terms of Stan's retirement were as follows: goodwill was valued at 36,000, no goodwill account is to be appear in the books of account। to sabse pehle hum kya karte hain ki hum agli baat ko discuss kare, हम गुडविल की एंट्रीज पास कर लेते हैं। सबसे पहले देखें गुडविल की एंट्री आप पास करेंगे, गुडविल को हम ओल्ड रेशो से ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गुडविल डेबिट कौन से बन गए तीनों? तीन प्रतीक से बताएं। बेन स्टैन डैन, डैन कैपिटल स्टैन, नहीं नहीं डैन है पहले शब्द, डैन कैपिटल नहीं भाई, ठीक है, बेन डैन और स्टैन है, संध्या और स्टैन, डैन और स्टैन पहले लिखा, लेना लेना बेन डैन और स्टैन, बेन डैन और स्टैन, इसका क्वेश्चन में लिखा होगा ना, यानी कि जो उसका फॉर्मेट है उसको आपने फॉलो करना है, ठीक है। गुडविल डेबिट होगी आपकी, कितनी अमाउंट है? 36,000 की गुडविल है, ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होगी, ओल्ड रेशियो कितनी उनकी आपस में इक्वल है, 36,000 राइट ऑफ होगी स्टैन तो जा रहे हैं, इसका मतलब है बैन कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ होगी एक तो, दूसरा डैन कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ होगी एक तो, दूसरी जस्ट मिनट 516 बैंक कैपिटल अकाउंट और क्रेडिट आपका हो जाएगा जी। नंबर 26 है, SP16 का क्वेश्चन है, वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बैंक कैपिटल अकाउंट गुडविल कितने से हमारा आ जाएगा जी? 36,000 से राइट होगा, सारी बात है, और दोनों अकाउंट बैन और बैंक कैपिटल जो है वो डेबिट हो जाएंगे 18,000 से, 18,000 और 18,000 इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पेपर में आता है, इसकी तरह किया मैं, लेकिन ये सवाल पेपर में आता है, इसलिए 12,000 बेच के हमने फर्क कर दिया, तो आपने खुद किया होगा, मैंने नहीं कर पाया, 12,000 तो कम हो गया जी, ठीक होगी जी बात। नेक्स्ट देखते हैं जी आगे हम, आई कहते हैं जी शी विल टेक ए मोटर व्हीकल इन पास सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हिम, एक मोटर व्हीकल लेके जा रहा है, दिस वॉज वैल्यूड इन द बुक्स एट 10,000, हाउएवर द पार्टनर एग्रीड दैट इट वॉज ओनली वर्थ 7,000, यानी उसकी वैल्यू 10,000 थी, लेकिन इस वक्त उसकी वैल्यू अब कितनी हो गई है? 7,000। इसका मतलब उसकी वैल्यू जो है मोटर व्हीकल की डिक्रीज कर गई है, कितने से? 7,000 थे, तो उसकी एंट्री आप पास करेंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम रिवॉल्यूशन करते हैं ना इसमें,
और क्रेडिट आपका हो जाएगा मोटर व्हीकल, कितनी अमाउंट आ जाएगी जी? 3000। ये हमने उसकी रिवर्शन कर ली है। अब स्टैन जो है वो मोटर व्हीकल घर लेके जा रहा है, अब हम उसकी एंट्री पास करेंगे, स्टैन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और मोटर व्हीकल अकाउंट क्या हो जाएगा? MOTO, मोटर व्हीकल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कितनी अमाउंट आ जाएगी जी आपकी? 7000, क्योंकि अब 7000 होगी ना वैल्यू उसकी, मोटर व्हीकल क्रेडिट हो जाएगा आपका 7000 से। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी क्वेश्चन में आज तक कभी रिपीट नहीं हुआ, यानी कि इस स्पेशल पेपर के अलावा अगला पॉइंट ये रिपीट हुआ जो भी मैंने कहा, अगला पॉइंट किसी क्वेश्चन में रिपीट नहीं हुआ लादा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझना पड़ेगा ध्यान से। वो पॉइंट क्या है देखें, वो पॉइंट ये है कि वो कहता है कि रिमेनिंग नॉन करंट एसेट्स वर वैल्यूड एट 3,20,000। तो रिमेनिंग नॉन करंट एसेट्स देखिए ऊपर कितने पड़े हुए हैं, 3,00,000 के। लेकिन वो 3,00,000 के असल में नहीं है, जो नॉन करंट एसेट है वो 3,00,000 के नहीं है, वो कितने के हैं? वो 2,90,000 के हैं, क्योंकि उसमें से 10,000 वाला जो नॉन करंट एसेट है वो तो आपका निकल गया। तो 3,00,000 के जो नॉन करंट एसेट्स हैं माइनस 10,000, वो कितने हैं? 2,90,000 के। और अब वो कितने हो गए हैं? अब वो कितने के हो गए हैं? 3,20,000 के हो गए। 30,000 से रिवर्शन हमारा इंक्रीज हो रहा है, उसकी हम एंट्री पास करेंगे, क्या होगी जी? मोटर नॉन करंट एसेट्स डेबिट हो रहा है ना आपको, और रिवर्शन अकाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट कितनी आ जाएगी? 30,000। क्वेश्चन नंबर 26 है हमजा, आपने किया हुआ है फिर भी आप अपनी बुक में से निकाल सकते हैं, पार्टनरशिप चेंजेस का क्वेश्चन नंबर 26 आपको मैंने अच्छे तरीके से करवाया है पहले से ही जी। ठीक, नॉन करंट एसेट टू रिवैल्यूएशन। अब हमने क्या करना है जी? हमने अब बनाने हैं अकाउंट्स। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाना है हमने? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं जी, दोबारा रिपीट करता हूं, 10,000 का एसेट था, हमने उसको टेक ओवर किस टाइम में कितने में किया है? 7,000 में। ठीक है जी, तो वो 7,000 में टेक ओवर किया उसने, तो उसकी पहले 3,000 वैल्यू कम करेंगे। उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग नॉन करंट एसेट्स है वो 3,00,000 के नहीं रहे, वो 2,90,000 के हैं, वो 3,20,000 के हो गए, तो 30,000 से उनकी वैल्यू बढ़ गई है। अब पोस्टिंग कर लेते हैं उसकी। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले डेबिट हो रहा है 3,000 से, है ना जी, इसकी वजह से मोटर व्हीकल की वजह से। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से? 30,000 से, नॉन करंट एसेट की वजह से। आपको सॉल्यूशन में ये वाला सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखने की जरूरत नहीं है, देखेंगे तो आपका आपको समझ नहीं आएगी उसने क्या किया हुआ, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट वे से उसने सॉल्व किया हुआ, जो कॉन्सेप्चुअल वे नहीं है। टोटल आपका आ जाएगा 30,000 जी, इधर भी आपका आ जाएगा 30,000, माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया? 27,000। दिस प्रॉफिट इज सपोज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स विद ओल्ड रेशियो, और ओल्ड पार्टनर सारे के सारे थे, बेन भी था, बेन भी था और स्टैन भी था, तीनों में जाएगा 9,000। कहां से आ गए हम? रिलेशन बिजनेस परचेज नहीं कर रहे हैं भाई, क्या हो गया है? खुश करो ठीक है जी, ये हमने इसकी एंट्री पास कर सकते हैं आप। एंट्री सी क्या होगी? रिवर्शन अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और तीनों कैपिटल अकाउंट क्या हो रहे हैं? क्रेडिट हो रहे हैं, इसीलिए ये उनके कैपिटल अकाउंट में अमाउंट्स क्या हो जाएंगी? क्रेडिट साइड पे लिखेंगे आप उनके, क्योंकि उनके कैपिटल लिखने से क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, ये पैसे में उनको देने हैं, प्रॉफिट हो रहा है रिवर्शन का। अब हमने क्या बनाने? कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं, देखते हैं हम कैपिटल अकाउंट्स बना रहे हैं इस एंट्री में। हाँ जी, दूसरी में बाकी दोनों का है, बेन और डैन का है जी। अब ने बनाने जी कैपिटल अकाउंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको रिवॉल्यूशन का समझ नहीं आई
कि वो 7,000 पहले करना है आपने और बाद में आपने उसको बढ़ाना है, तो आपका सारा सवाल गलत हो जाएगा क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने उसको सॉल्व किस तरीके से करा था। That is basically the important point. सबसे पहले हम बनाते हैं जी कैपिटल अकाउंट्स, यहाँ पे किसका आ जाएगा जी, पहले Ben, Ben and then Dan, बस ठीक है हम जो जा रहे हैं सही जा रहे हैं, Ben, Dan, Stan, Stan, जल्दी आ जाते हैं जी, Ben आ जाएगा जी और Stan, जी तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं हम सोबत, सबसे पहले क्या आ जाता है आपका ब्रॉड डाउन, वेरी गुड, सबसे पहले ब्रॉड डाउन बैलेंस लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स के, बेन डैन और स्टैन के लिखे हुए कितने हैं, 140,000 और 140,000, याद रखिएगा ये कैपिटल फर्क भी हो सकते हैं और ये रेशियो जो इक्वल चली आ रही है ये बिल्कुल डिफरेंट भी हो सकती है, उससे डरने की जरूरत हमें नहीं होती, हमें पता है रेशियो कैसे बनाते हैं हम और हम कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने 1,40,000 लिखा है, अब रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट लिखूंगा तो कितना कितना है, 9,000 इधर जाएगा, इधर भी जाएगा 9,000 ठीक होगी जी बात। अब बात करते हैं किसकी, गुडविल की, तो गुडविल पहले क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स में गुडविल के नाम क्रेडिट होगी, ये मैंने पहले एंट्री पास की है, गुडविल टू बैन कैपिटल, बैन कैपिटल और स्टैंड कैपिटल 12,000 12,000 12,000, पहले इन तीनों को क्रेडिट करेंगे अकाउंट में हम, मैं लिखूंगा 12,000 12,000 12,000, फिर गुडविल हम डेबिट कर देंगे न्यू रेशो से और न्यू रेशो कितनी हमारी 18,000 और 18,000 एक बैन में आ जाएगा और एक इसमें आ जाएगा डैन में, स्टैन को गुडविल राइट ऑफ नहीं होगी क्योंकि स्टैन जो है वो छोड़ के चला गया। अब याद रखिएगा दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, करंट सॉरी जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसके करंट अकाउंट को लाजमी उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है क्योंकि वो छोड़ के जा रहा है, तो उसको जितना भी उसके उसकी उसका अमाउंट या उसकी हमारी तरफ कोई अमाउंट निकलती है वो उसको हमने पे करनी है, अगर उसका लोन होगा तो वो भी उसी कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, करंट अकाउंट भी हम उसके अकाउंट में डाल देंगे और उसके अकाउंट को हम क्लोज किससे करती है, अगर ना बताया हो तो बैंक से, अगर बताया हो तो बैंक से भी करेंगे, लोन से भी करेंगे, खाली लोन से भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन गिवन इन द क्वेश्चन। तो देखिए हम पहले तो करंट अकाउंट कितना है उसका पहले उसमें गौर करते हैं, करंट अकाउंट का पॉइंट बच्चे अक्सर मिस कर जाते हैं, मैं भी मिस कर जाता था, 6,000 नेगेटिव है उसका सर, उसका 6,000 नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब डेबिट साइड पे है, पॉजिटिव होगा तो क्रेडिट साइड पे आएगा, सिंपल है, ये लोन है, लोन नहीं है, बाय जन करंट अकाउंट, उसका लॉस है उसका जो उसके अकाउंट में ट्रांसफर करने है, लोन कहां से आ गया, उसका अकाउंट क्लोज कैसे करना है, तो नीचे आते हैं सवाल पे वापस, ऑल ऑफ दीज रेसिडेंट्स वर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ on 1st April, okay, the state two reasons why a partner's current account may have a debit balance because of the previous year losses or maybe he has taken more cash drawings from the business. ज़्यादा cash drawings कर लिए तो current account negative हो गया, drawings ज़्यादा है उसकी या फिर उसका पिछले सालों के losses चले आ रहे थे इसकी वजह से उसको loss हो रहा है. Explain why a partner's capital account is credited with goodwill and any revaluation of assets when they retire. जब partner retire होता है, we have to give him his share of goodwill and any profit or loss at the time of revaluation or at the time of retirement, theek hai, so that he will leave the partnership along with his share of profit and loss, so that after this the business accounts should give a true and fair view of the business, ye likhna zaruri hai, business jo hai wo true and fair view of the business denge, humne kisi se na zyadti ki hai na kisi ko nuksan pahunchaya hai, ye न्यू पार्टनर में न्यू रेशियो से डेबिट होगी,
क्योंकि न्यू पार्टनर दो रह गए सिर्फ. प्रिपेयर द रिवॉल्यूशन अकाउंट टू द पार्टनरशिप बना दिया हमने. ठीक है जी. प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैन एंड स्टैन. मैंने स्टैन का भी बना के दिखाया और कैलकुलेट द अमाउंट पेड टू स्टैन फ्रॉम द पार्टनरशिप. बैंक अकाउंट में से हम कितनी पे कर रहे हैं, इसका मतलब है हमने इसको बैंक अकाउंट से ही क्लोज करना है. चलते हैं वापस क्वेश्चन पे. सामने अपने सकते हैं क्वेश्चन को और हम आते हैं वापस अपने सवाल की तरफ. आगे हम अब हम क्या करेंगे जी, टोटल करेंगे. 6000 तो आना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि जो उसका कहा आप गलत समझे. उसने स्टैंड का भी कहा था लेकिन स्टैंड उसने स्टेटमेंट बन दिया. चेक करो, मैं तीनों का बना के फिर स्टेटमेंट दोबारा बना के दिखाऊंगा. हाँ जी, तो मैं तीनों का बना के स्टेटमेंट दोबारा बना के दिखाऊंगा, क्योंकि स्टेटमेंट डायरेक्ट बनाना अच्छी बात नहीं है, वो गलत हो सकती है. इसलिए टोटल करते हैं इसका. सर बैंक का टोटल आ रहा है 242. इसका हम कर देंगे जी टोटल. बैंक का आ रहा है वही वही यार. इन दोनों को हम कैरी डाउन से क्लोज करेंगे और स्टैंड को हम क्लोज किससे करेंगे, बैंक से. पहले टोटल बाकी दोनों करंट अकाउंट ट्रांसफर नहीं होंगे, उनके वो बिजनेस लेके चल रहे हैं, वो जा नहीं रहे हैं. उनके करंट अकाउंट इधर रहेंगे, कुछ नहीं करना उनको. वो बिजनेस थोड़ी जा रहे हैं, सिर्फ रिटायरमेंट में करंट अकाउंट ट्रांसफर होते हैं, याद रखिएगा. एडमिशन में करंट अकाउंट ट्रांसफर नहीं होते. दूसरी बात, डिसोल्यूशन में भी करंट अकाउंट ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि डिसोल्यूशन में भी सारे पार्टनर जा रहे हैं. सबके करंट अकाउंट डाल देंगे, सबके करंट अकाउंट को डालेंगे रिलेशन अकाउंट के अंदर भी. लेकिन ये बात किसकी है, ए टू की बात है, यहाँ की बात नहीं है. अच्छा जी, कैरी डाउन कितना आ रहा है जी बैंक का? बैंक का माइनस 8000 जी, 143000 आ रहा है. किसकी वजह से? मोटर व्हीकल की वजह से. यहाँ पे आएगा मोटर व्हीकल. हाँ जी, वही करना जी. मोटर व्हीकल आपका आ जाएगा में जी 7000. ठीक है जी, अब टोटल करते हैं इसका. 161000 आ रहा है आपके. हम भी आपका आ जाएगा 161000. टोटल कितना आ रहा है इसका जी? 148000. बैंक से उसके अकाउंट को आपने बैंक से क्लोज करना है. दिस इज हाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ रिटायरमेंट. तो पेपर में सवाल किसका आएगा? रिटायरमेंट के क्वेश्चन आने का चांस है, याद रखिएगा. इसलिए रिटायरमेंट के क्वेश्चन को आपने ध्यान से सॉल्व करना है और उसको आपने कंसीडर करना है कि रिटायरमेंट के क्वेश्चन को तरीके से आपने जो है वो हैंडल. सर एक सवाल का करने के बाद दोबारा कर सकते हैं? अब इसकी हमने बनानी है स्टेट.
सर आपका माइक दिया पा रहे हैं सर जी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, स्टेटमेंट अब आपने बनानी है, तो स्टेटमेंट के लिए क्या करेंगे, जो क्रेडिट पे चीजें लिखी हैं वो आप ऐड कर देंगे 1,40,000, 9,000, 12,000 और जो डेबिट पे है 6,000 और 7,000 वो माइनस कर देंगे, तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो आंसर आएगा दैट इज योर बैंक फिगर। दिस इज नोन एज स्टेटमेंट। बेसिकली स्टेटमेंट का मतलब है कि आप उसको एडलेस की फॉर्म में बना दें तो स्टेटमेंट बन जाती है। बेहतर यही है कि आप अगर पेपर में स्टेटमेंट मांगे तो पहले कैपिटल अकाउंट बना के ही बनाएं, ऐसे गलत ना हो जाए, इसलिए बेहतर ये कि आप बना के करें वो ज्यादा बेहतर है। मैंने बना के दिखा दी कैसे बनाते, इतने मसले वाली बात नहीं है। जी यही फॉर्मेट रहता है इसका। हाँ जी फॉर्मेट तो यही रहेगा बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि स्टेटमेंट ऐसी लिखनी है जी, लिखना स्टेटमेंट ऑफ। इसके सबसे पहले 1,40,000 के आगे आप लिखेंगे बैलेंस, 9,000 के आगे आप लिखेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, 12,000 के सामने आप लिखेंगे गुडविल, 6,000 के सामने आप लिखेंगे करंट अकाउंट, 7,000 के सामने लिखेंगे मोटर व्हीकल टेकन ओवर। सर प्रॉफिट गुडविल लिखेंगे और नीचे आगे लिखेंगे बाय बैंक 1,40,000 के आगे बैंक 12,000 गुडविल लिखेंगे जी। 1,48,000 ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मसला तो बताएं आगे चलें। ये भी कह सकते हैं कि आधे पैसे लोन में डाल दें और आधे पैसे बैंक से, ये भी कह सकते हैं आधे पैसे लोन से क्लोज करेंगे और बाकी बैंक से क्लोज करेंगे, ठीक है उसमें कैपिटल अकाउंट। आगे जी क्वेश्चन नंबर 27 है जी आपका, अक्टूबर नवंबर 2019-21 कहते हैं जी एडम बिलाल एंड चैन सेगलर ऑपरेट ए पार्टनरशिप प्रोवाइडिंग सेक्रेटेरियल सर्विसेज, द पार्टनर हैव नो फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनर से कोई फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो नहीं था, इसका मतलब है उनकी आपस में प्रॉफिट शेयर रेशियो जो है वो क्या है, इक्वल है। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट ना हो तो हम ये सपोज करते हैं कि उनके दरमियान रेशियो इक्वल कंसिडर की जाएगी। नेक्स्ट वो कहते हैं जी करंट अकाउंट भी दिए हुए तीनों के, द फॉलोइंग बैलेंसेज एंड ट्रायल बैलेंसेज गिवन, बिजनेस ऑपरेटिंग कॉस्ट दी हुई है, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट ट्रेड रिसीवेबल, लोन दिया हुआ बिलाल का, ठीक है जी। अगर बिलाल रिटायर हो रहा हो तो बिलाल का लोन भी आपको उसको वापस करके भेजना पड़ेगा घर, क्योंकि उसकी तमाम तर चीजें आपको उसको पे करके घर भेजना है क्योंकि वो जा रहा है बिजनेस से। मोटर व्हीकल है नेटबुक वैल्यू दिया हुआ 96,000, कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अप्रोप्रिएशन। तो आपने प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अप्रोप्रिएशन निकालना है, बहुत ही आसान है। देखे फी रेवेन्यू रिसीव दिया हुआ है कितना है 1,52,000, इसमें से बेटा माइनस कर देंगे और बिजनेस ऑपरेटिंग कॉस्ट 76,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 76,000 ही आपका आ जाएगा। दिस इज योर प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, हमने फाइंड आउट कर लिया फी रेवेन्यू रिसीव माइनस 1,42,000 तो आपका 76,000 आंसर आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। इसके बाद हम बना सकते हैं क्या भला एप्रोप्रिएशन अकाउंट और करंट अकाउंट भी क्वेश्चन में मांग सकता है अगर मांगते होते, लेकिन फिलहाल इसमें मांगे नहीं हुए जी। जी आगे चलते हैं जी नेक्स्ट, आएगा खुद ही आएगा, आगे आएगा। कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट एप्रोप्रिएटेड टू बिलाल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। तो देखें जी प्रॉफिट कितना हमारा आ रहा है, प्रॉफिट हमारा आ रहा है कितना 76,000 का। अभी तक तीनों पार्टनर पिछले वाले में 2,000 भी माइनस होना है वो जो लोन का है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, लोन पे जो इंटरेस्ट 80,000 का माइनस करना पड़ेगा। यस यस, क्योंकि अगर बिजनेस का फॉर्मल एग्रीमेंट ना हो एक सेकंड तो आपको लोन पे 5% इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो लोन पे आपको 5% इंटरेस्ट भी लेना है तो वो भी आपको माइनस करना पड़ेगा इसमें से माइनस। ओ इंटरेस्ट कॉस्ट लोन जो बिलाल ने दिया हुआ 80,000 का उस पर 5% आपको लोन इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और 5% उस पर कितना आ रहा है 4,000, वो 4,000 भी माइनस होगा तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 72,000 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। सर लोन पे इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं हुआ। अगर फॉर्मल एग्रीमेंट ना हो याद रखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस आपस में शेयर किस तरह होगा, इक्वल। कैपिटल कितने होंगे, इक्वल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं होगा, पार्टनरशिप सैलरीज नहीं होंगी, इंटरेस्ट ऑन लोन होगा अगर लोन दिया हो कितने परसेंट 5% जरूरी है, फिक्स्ड है।
वो 4000 आपको माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट निकालते वक्त। अब वो कहता है कि आपने अप्रोप्रिएशन करना है और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बहुत आसान है, तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 72,000 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया? 24,000 will be distributed to all the three partners A, B and C. 24,000. वो पूछ रहा है बिलाल का शेयर प्रॉफिट कितना है, तो वो भी 24,000 ही आपका होगा। जी बताएं, कोई मसला है तो बताएं। यहां तक जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता तो याद रखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर होता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरीज ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं होती, लेकिन लोन पे इंटरेस्ट होता है 5%। अगर लोन दिया हो तो 80,000 पे 5% निकालकर माइनस करना पड़ेगा तो आपका प्रॉफिट आएगा, और तीनों का प्रॉफिट इक्वली शेयर करना है तो हर एक का प्रॉफिट आ जाएगा 24,000। ओके जी नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। हम जी सवाल मुश्किल होगा। एडिशन परमिशन दीवी कहते हैं ऑन 1st January बिलाल डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप, वो जा रहा है घर अपने। द पार्टनर्स एग्रीड द फॉलोइंग, बिलाल वाज टू रिटेन 1 मोटर व्हीकल, द नेट बुक वैल्यू ऑफ द मोटर व्हीकल वाज 36,000, यानी कि बुक्स में कितनी लिखी हुई वैल्यू उसकी मोटर व्हीकल की 36, लेकिन वो घर कितने का लेके जा रहा है, इसका मतलब है 6,000 से पहले उसकी रिवैल्यूएशन होगी और वो क्या हो जाएगा ऐसा मोटर व्हीकल डिक्रीज करेगा फिर उसकी एंट्री आप पास करेंगे। द रिमेनिंग मोटर व्हीकल वट टू बी रिवैल्यूड अपवर्ड बाय 5%, बाकी मोटर व्हीकल जो है वो रिवैल्यू करके अपवर्ड हो गए 5%। तो वह क्या कहते हैं उसे, ये पॉइंट था उसके अंदर हमजा, पिछले क्वेश्चन की तरह ये पॉइंट था इसके अंदर, फिर भी आपने मुझसे वो पिछला क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, पॉइंट था उसके अंदर जी। एन इररिकवरेबल डेट ऑफ 2000 वाज़ टू बी रिटन ऑफ एंड ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 4% वाज़ टू बी मेड। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट दैट वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन अगेन, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चीज करके आपको उसे पिछले सवाल में कोई चीज नहीं आ रही, यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, यार उसमें मैंने वो पॉइंट किया था। इसका मतलब है कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी तरतीब लगाना भी जरूरी है जो मिसिंग है, एंड दैट मिसिंग थिंग्स विल डेफिनेटली क्रिएट प्रॉब्लम इन द फ्यूचर, उस पर कल बात करेंगे। अच्छा जी, तो पार्टनर एग्रीड कर रहे हैं बिलाल की इसकी डेट्स हैं आपके गुडविल, पहले गुडविल की एंट्रीज पास कर लेते हैं। गुडविल कितनी वैल्यू हुई है 24,000 की, तो इसको पहले खत्म करते हैं हम। ये कौन सा सवाल था बताएं प्लीज, नहीं नहीं SP16 जी। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जी, सबसे पहले गुडविल की एंट्रीज पास करेंगे। गुडविल कितनी है 24,000 की, इससे पहले गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो से, गुडविल टू ए कैपिटल क्योंकि मैं नाम ए यूज कर रहा हूं, दूसरा आ जाएगा जी बी कैपिटल, और तीसरा आ जाएगा जी सी कैपिटल। नाम तो दिए हैं लेकिन हम किसी नाम यूज कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। गुडविल डेबिट हो जाएगी 24,000 से, 24,000 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कितनी कितनी हो जाएगी 8,000। हर सवाल में ऐसा नहीं होगा, कुछ सवालों में डिस्ट्रीब्यूट होगी 3:2:1 के हिसाब से, 3/6, 2/6, 1/6, और राइट ऑफ होगी डिफरेंट रेशियो के हिसाब से जी। प्रॉफिट का इसका कोई ताल्लुक नहीं है, प्रॉफिट का इस अगले पार्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये पार्टनरशिप चेंज हो रही है, पार्टनरशिप चेंज का ट्रेडिंग एक्टिविटीज का ताल्लुक नहीं होता, ये सिर्फ एक खास डेट पर चेंज आ रहा है, इसलिए गुडविल और रिवैल्यूएशन अकाउंट का इफेक्ट डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट्स में होता है, उसका प्रॉफिट पर कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए गुडविल कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होती है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में जाता है, प्रॉफिट को इंटरफेयर नहीं करता, प्रॉफिट को टच नहीं करता। जी कौन सा बंदा रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है, तो ए और सी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे आपके। ए कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, बी रिटायर हो रहा है भाई वो नहीं आएगा, और गुडविल क्रेडिट हो जाएगा। गुडविल क्रेडिट कितने से होगा भाई, 24,000 से, बिल्कुल सही, 12,000 डेबिट हो जाएगा इसका क्योंकि न्यू रेशियो भी इक्वल है, और इधर भी आपका आ जाएगा 12,000। वेरी नाइस, नेक्स्ट जो उसने एसेट टेक ओवर किया उसको देखते हैं, एसेट डिक्रीज कर रहा है मोटर व्हीकल, उसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन मोटर व्हीकल, रिवैल्यूएशन टू मोटर व्हीकल अपवर्ड नहीं हुआ भाई, डिक्रीज किया रिवैल्यूएशन 6,000 से,
अभी एसेट पहले डिक्रीज करेंगे 6000 से, जो एसेट वो टेक ओवर कर रहे हैं उसकी वैल्यू 6000 से कम हो रही है, फिर वो टेक ओवर कर रहे हैं कितने का, 30000 का, कौन? बिलाल कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और मोटर व्हीकल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बिलाल ही है ना, बिलाल ही है सर, 30000 मोटर व्हीकल क्रेडिट हो जाएगा 30000 से, कह रहा है बाकी जो मोटर व्हीकल है, वापस आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, कहता है बाकी जो मोटर व्हीकल बने हुए आपके या दिए हुए क्वेश्चन में, वो सब दोबारा वैल्यू हो रहे हैं चेंज, उनकी वैल्यू में चेंज आ रहा है, किस तरह चेंज आ रहा है देखें, द रिमेनिंग मोटर व्हीकल्स वर टू बी रिवेल अपवर्ड बाय 5%, वापस आते हैं क्वेश्चन पे, जी मोटर व्हीकल कितने के दिए हुए हैं, जी 96,000 के, इसमें से एक एसेट उसने टेक ओवर कर लिया है, कितने वाला, 36,000, प्लीज डोंट सबट्रैक्ट 30,000, द वैल्यू वाज 36,000, इट हैज डिक्रीज्ड टू 30,000 बिकॉज़ ही वाज गोइंग टू टेक ओवर दैट, उससे पहले उसकी बुक वैल्यू से ही माइनस होगा, 96 - 36 कितना आ गया, 60,000, इसकी वैल्यू इंक्रीज कर दी कितने परसेंट, 5%, कितनी आ जाएगी 3000, 3000 से एंट्री पास करेंगे हम, जी उसे एंट्री पास कर देंगे हम, नहीं नहीं एंट्री पास करेंगे मोटर व्हीकल डेबिट और रिवैल्यूएशन क्रेडिट, 3000 से इतनी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, बस बस ये लिख रहे हैं, सारा क्यों आना है, ये हमने एंट्री पास कर दी मोटर व्हीकल टू रिवैल्यूएशन, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है, बाकी बातें बाद में करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी निकाल दी है, कहते जी बिलाल रिटायर फ्रॉम पार्टनरशिप, द नेट बुक वैल्यू ऑफ द मोटर व्हीकल वाज 36,000, असल में वैल्यू 36 थी लेकिन वो उसे घर लेके जा रहा है कितने का, 30 का, तो 6000 कम करेंगे और वो टेक ओवर कर लेगा, और बाकी मोटर व्हीकल जो रह गए 96,000 - 36,000 60,000 के, वो 5% उसकी वैल्यू बढ़ गई है, तो उसकी एंट्री होगी मोटर व्हीकल टू रिवैल्यूएशन, मैंने पता नहीं गलत चेक पास किया है, मैंने सही पास किया, ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं गुडविल का, इररिकवरेबल डेट्स ऑफ 2000 वाज टू बी रिटन ऑफ एंड ए प्रोविजन ऑफ 4% वाज टू बी मेड, तो इसकी दो एंट्रीज पास करते हैं समझाने के लिए, एक भी पास कर सकते हैं, समझाने के लिए दो कर रहा हूं सिर्फ, पहली एंट्री क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन टू ट्रेड रिसीवेबल, जी मुझे किया कि बैड डेट्स रिकॉर्ड कर रहे ही नहीं आपने, क्योंकि एक्सपेंस इनकम का यहाँ को टुक ही नहीं बनता, हम पार्टनरशिप चेंज में रिटायरमेंट का केस पढ़ रहे हैं, हम बिजनेस के ट्रेडिंग एक्टिविटीज को नहीं देख रहे, 2000 से ट्रेड्स हमारे क्या हो गए हैं, डिक्रीज कर गए हैं, उसके बाद दोबारा एंट्री पास करेंगे क्या, रिवैल्यूएशन टू ट्रेड रिसीवेबल, क्यों, क्योंकि फिर दोबारा ट्रेड रिसीवेबल कम हो गए हैं, किसकी वजह से, प्रोविजन की वजह से, ट्रेड रिसीवेबल दोबारा डिक्रीज करेंगे, प्रोविजन कैसे निकालेंगे सोबत, देखें ट्रेड रिसीवेबल कितने दिए हैं आपको पीछे, 27,000 के माइनस करें 2000, बाकी हो गए 25,000, 25,000 कितने परसेंट लेंगे, 4% नहीं है वो माइनस करके 4%, कितना आ जाएगा 1000, उसकी एंट्री पास करेंगे रिवैल्यूएशन पर ट्रेड रिसीवेबल 1000, इसका मतलब है ट्रेड रिसीवेबल या रिवैल्यूएशन की वजह से ट्रेड रिसीवेबल कितनी अमाउंट से कम हो रही है, 3000 से, 2000 बैड डेट्स की वजह से और 1000 प्रोविजन की वजह से, तो आप इसकी कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हैं रिवैल्यूएशन टू ट्रेड रिसीवेबल 3000, लेकिन बेहतर है अलग अलग कर ले ताकि आपको पता हो कि आपने बैड डेट्स माइनस करके प्रोविजन निकालनी, ठीक है जी, यहां तक हमने एंट्री अपनी कंप्लीट कर ली है, आगे कहते हैं जी मैंने आप जरा दोबारा गौर करें, मैंने एंट्री सामने क्या पास की है, रिवैल्यूएशन टू ट्रेड रिसीवेबल, फिर रिवैल्यूएशन टू ट्रेड रिसीवेबल, इसमें एक 2000 की बैड डेट्स की एंट्री, बैड डेट्स कोई चीज नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज उसकी रिवैल्यूएशन हो रही है बेटा, ऐसा डिक्रीज कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन के वक्त क्या तीन चीजें इफेक्ट होती है, कैपिटल अगर नया पार्टनर आ रहा हो, गुडविल ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो से, फिर राइट ऑफ होते न्यू पार्टनर में न्यू रेशियो से, तीसरा रिवैल्यूएशन होती है, इसलिए ताकि सारे पार्टनर्स एक पॉइंट पर आपस में एग्री कर जाएं, उस रिवैल्यूएशन में आपके एसेट्स इंक्रीज भी कर सकते हैं और आपके एसेट्स डिक्रीज भी कर सकते हैं, बस इसमें एक्सपेंस इनकम का क्या तुका गया है, इसमें कोई कंसर्न नहीं इसका, आगे जी आगे देखते हैं हम, आगे नेक्स्ट टाइम कहते हैं बिलाल एग्री टू लीव 45,000 इन द पार्टनरशिप एज ए लोन एट द रेट ऑफ 8% पर एनम,
The remaining balance due to Bilal was to be paid from the partnership bank account. तो बिलाल के कैपिटल अकाउंट को डेबिट साइड पर लोन लिखेंगे 45,000 और बाकी अमाउंट लिख देंगे डेबिट साइड पर बैंक से. आई रिपीट अगेन, बिलाल के कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले याद रखिएगा करंट अकाउंट भी ट्रांसफर करने हैं बिलाल का, 4,000 डेबिट है तो बिलाल के कैपिटल अकाउंट में बिलाल का करंट अकाउंट डेबिट साइड पर 4,000 जाएगा. बाकी उसके अकाउंट में क्या करेंगे आप, करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे और उसके अकाउंट को क्लोज करेंगे, लोन डेबिट करेंगे 45,000 से. उसके बाद बाकी अमाउंट जो है डिफरेंस वो किससे करेंगे, बैंक से. लेकिन याद रखिएगा बिलाल के कैपिटल अकाउंट को आपने क्रेडिट भी करना है लोन से, 80,000 के लोन से क्रेडिट भी होगा क्योंकि वो लोन उसको देना भी तो है. जो पहले वाला लोन था उसको देके घर भेजेंगे और उसके टोटल अमाउंट जो बनेगी हमारे तरफ उसमें से 45,000 लोन के नाम से लिखेंगे डेबिट साइड पर और बाकी बैंक के नाम से. तो इसका अकाउंट में आपको बना के दिखाता हूं जल्दी से, अगर टाइम बच गया तो. टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, शायद ना बन सके लेकिन मैं ट्राई कर दूंगा, सिर्फ ट्राई कर सकता हूं, आने की जरूरत नहीं है. अमाउंट्स लिख लेता हूं, ऐसा करते हैं ड्रॉ डाउन कितना है जी, वो बाद में मानेंगे ना बच्चे तो नहीं लेंगे. ब्रॉडडाउन कितना है जी सर, ब्रॉडडाउन है 20,000. मैंने बताया है कि स्टेटमेंट आपने डायरेक्ट नहीं बनानी, इसमें गलती के चांसेस हैं. यस, आप बेहतर है कैपिटल बनाए पहले. करंट अकाउंट गुडविल क्रेडिट कितनी हो रही है, 8,000 डेबिट हो रही है, डेबिट तो होनी नहीं है. फिर लोन क्रेडिट होगा उसके अकाउंट में, उसको नहीं नहीं 80,000 क्रेडिट भला उसको उसी अकाउंट में डालना है कि उसको हमें पे करना है. जी जी मैं लिख रहा हूँ, मोटर व्हीकल आ जाएगा 30,000, फिर उसके बाद लोन आ जाएगा जितने का वो टेक ओवर करेगा उतने से आनी है. एंट्री देख, एंट्री देख सामने, एंट्री देख, मोटर व्हीकल बिलाल है कैपिटल टू मोटर व्हीकल. अमाउंट किससे आ जाएगी, बैंक से. और कुछ चीज में आनी है, करंट अकाउंट लिख दिया है जी, लिख दिया है, गुडविल क्रेडिट हो गई है. रिवैल्यूएशन, 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 जल्दी बताएं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना आएगा, अकाउंट नहीं बना सकते टाइम ही नहीं है. तो रिवैल्यूएशन देखें, हमारा क्रेडिट हो रहा है 3,000 से, फिर डेबिट हो रहा है 2,000 से, फिर क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है 1,000 से, 3,000 का लॉस है, 3,000 की प्रॉफिट है. तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस तो है ही नहीं, जीरो आ रहा है. सर इसका आ रहा है 1,08,000 टोटल आ रहा है, और बैंक आ रहा है. नहीं, टोटल बताओ, टोटल 1,08,000. नहीं क्या कह रहे हैं, बैंक अकाउंट क्लोज कर देंगे 29,000. ये आपका आ जाएगा बैंक अकाउंट से. लोन की बात कर लेते हैं, किसी को मसला है तो पूछें, बताएं एनी प्रॉब्लम. ओके, लोन की बात कर लेते हैं. लोन 80,000 से क्रेडिट पे क्यों लिखा है मैंने भाई, जो उसका पिछला लोन था जिस पर हम इंटरेस्ट पे करते थे कितना, 5%, वो लोन के पैसे उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, वो तो हमने पे करना है उसको, उसको उसको देकर वो लोन टाटा बाय बाय कर रहे हैं छुट्टी. लेकिन उसके जो पैसे हमारे तरफ निकलते होंगे टोटल बाद में, उसमें से 45,000 उसका लोन दोबारा कंसीडर कर लेंगे 4% इंटरेस्ट के साथ, और बाकी पैसे क्लोज किससे करेंगे, किस नाम से, बैंक के नाम से. ये जो लोन है 45,000 वाला, ये 80,000 लोन से फर्क